हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टुडे सेशन लिटरेरी टर्म्स फॉर्म्स एंड मोमेंट। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम सभी पढ़ने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहा गया है और यूपी के टीजटी पीजटी ईएलटी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से लगभग हमें 25 फिगर्स ऑफ स्पीच को पढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको कि आज हम एट ए ग्लेंस उसके डिफिनेशन और उसके बेस्ट एग्जाम्पल को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच है सिमली। यह एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है, जिसमें कम से कम एक गुण समान होता है। यानी कि जब दो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं की तुलना की जाती है, तो जिससे तुलना की जाती है, जिस वस्तु से या जिस व्यक्ति से, तो उन दोनों में एक गुण समान होता है। जैसे सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, वह इतना ताजी है जितनी कि ओस की बूंद। अब इसमें पूछा जाए आपसे कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किया गया है, तो सिमली। इसका आंसर क्या होगा? सिमली। सिमली फिगर्स ऑफ स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो इस प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच की पहचान करने के लिए सबसे सिंपल कि ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच के एग्जांपल्स में एज, सो, लाइक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम लोग एज, सो, लाइक की मदद से इस प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच को पहचान सकते हैं। लेकिन जो लाइक होता है वह कभी कभी मेन वर्ब का भी काम करता है। किसका काम करता है? मेन वर्ब का भी काम करता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई लाइक यू। अब यहां पर फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर लाइक मेन वर्ब बना हुआ है। लेकिन कहा जाए दाऊ सोल वाज लाइक अ स्टार, दाऊ सोल वाज लाइक अ स्टार। अब यहां पर लाइक की मदद से हम लोगों ने पहचान कर ली कि इस एग्जाम्पल में सिमली फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेते हैं मेटाफर। मेटाफर एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है और तुलनात्मक गुण होते नहीं, उस तुलनात्मक गुण को मान लिया जाता है। और इस फिगर ऑफ स्पीच में एज, सो, लाइक का प्रयोग नहीं किया जाता है। और मेटाफर को अ मेटाफर इज एन एम्प्लाइड ऑफ सिमली, यानी कि मेटाफर को सिमली फिगर ऑफ स्पीच का एम्प्लाइड माना जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे इसके एग्जांपल्स को लेते हैं, द केमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। अब यहां पर केमल को मान लिया गया है कि रेगिस्तान का जहाज है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। तो यह कैसा फिगर्स ऑफ स्पीच हो गया? मेटाफर। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज, जीवन फूलों की सेज नहीं है। यह कैसा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर। नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच लेते हैं, परसानिफिकेशन।
एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच जिसमें निर्जीव वस्तुओं में सजीव के गुण को देखा जाए, जैसे लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। अब देखने की जो बात होती है और ना देखने की बात होती है, यानी कि यह ह्यूमन बीइंग में होता है या फिर कह सकते हैं लिविंग थिंग्स में होता है, वह देख सकता है या नहीं देख सकता है। यानी ब्लाइंडनेस की बात की जाए, अंधेपन की, तो ये लिविंग में होता है, लेकिन यहाँ पर लव में ऐसा देखा गया है, यानी ऐसे एक्सप्लेन किया गया है कि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है। तो इस प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच को पर्सनिफिकेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीमोरन या ऑक्सीमोरन, एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच जिसमें दो अपोजिट वर्ड को एक साथ रखा जाता है, दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ रखा जाता है, जैसे दिस इज एन ओपन सेक्रेट। अब यहां पर आप समझने का प्रयास करें कि सेक्रेट मिस होता है रहस्य, यानी छिपा हुआ, ओपन मिस होता है खुला हुआ, यानी कैसा रहस्य है कि जो खुला हुआ है, यानी कि यहां पर दो अपोजिट वर्ड रख दिए गए हैं। इस प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच को ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, यानी कि एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें दो अपोजिट वर्ड को एक साथ रखा गया हो, जैसे कि दिस इज एन ओपन सेक्रेट। नेक्स्ट है, लाइफ इज अ बिटर स्वीट। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल में ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल माना जाता है। लेकिन एक और फिगर्स ऑफ स्पीच है एंटीथेसिस। इन दोनों में हम लोग अंतर क्रिएट करें कि जो ऑक्सीमोरन है या ऑक्सीमोरन है, इसमें दो अपोजिट वर्ड एक साथ आते हैं, और जो एंटीथेसिस है, एंटीथेसिस, इस प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच में दो क्लॉज या दो सेंटेंस या ग्रुप ऑफ वर्ड्स आता है और दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है। यानी ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच जिसमें दो अपोजिट सेंस को प्रेजेंट किया गया हो, जैसे टू इर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती करना इंसान का स्वाभाविक गुण है, माफ करना इंसान का दैविकी गुण है। यानी इस प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच को एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं कि ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच में दो अपोजिट वर्ड्स आते हैं और एंटीथेसिस फिगर्स ऑफ स्पीच में दो अपोजिट सेंटेंस आ सकते हैं, क्लॉज आ सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ सकता है। यानी जैसा कि इसको ट्रिकी बनाएं तो थेसिस का मतलब होता है विचार, यानी कि भाव, थॉट, आइडिया। तो ये दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंट यानी अंतर है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अलिटरेशन, एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच जिसमें रिपीटेशन को दिखाया गया हो, यानी कि एक ही वर्ड का बार बार आना, जिसको कि हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं, यानी कि बार बार रिपीट होना, चाहे एक वावेल्स आए चाहे एक कॉन्सोनेंट्स आए। यानी कि जब वावेल्स का रिपीटेशन होता है तो उसको एक दूसरा नाम दे दिया जाता है, यानी हम कह सकते हैं अलिटरेशन फिगर्स ऑफ स्पीच के दो प्रकार होते हैं, एसोनेंस एंड कंसोनेंस। एसोनेंस में अ रिपीटेशन ऑफ द सेम वावेल्स,
यानी वावेल्स का रिपीटेशन होता है, और कंसोनेंट्स में अ रिपीटेशन ऑफ सेम कंसोनेंट्स यानी कि सेम व्यंजनों का रिपीटेशन होता है। और कंसोनेंट्स में किसका रिपीटेशन होता है? वावेल्स यानी कि स्वरों का क्या होता है? रिपीटेशन। तो इस प्रकार से आपके स्लाइड पे कुछ एग्जाम्पल भी आए हैं, आप वीडियो को पास करके देख सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। अलिटरेशन, अलिटरेशन की डिफिनेशन क्या है? अ रिपीटेशन ऑफ द सेम लेटर्स और साउंड्स। लेकिन जब इसमें वावेल्स का रिपीटेशन होने लगे तो हो जाएगा आपका एसोनेंस, कंसोनेंट्स का रिपीटेशन होने लगे तो कंसोनेंस। यानी ट्रिक आप बना सकते हैं, ए आपका पहला लेटर है, जैसा कि ए आप जानते हैं वावेल में आता है, और सी कंसोनेंट यानी सी फॉर कंसोनेंट भी कह सकते हैं, यानी व्यंजन होता है, यानी व्यंजन का रिपीटेशन, और इधर वावेल्स का रिपीटेशन। अब नेक्स्ट लेते हैं हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशयोक्ति अलंकार, यानी एक ऐसा अलंकार, एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है कि जब उसकी वास्तविकता से कंपैरिजन करते हैं तो वैसा देखने को नहीं मिल पाता है। यानी कि बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना, या तो उसको पॉजिटिव वे में लेके जाना या तो निगेटिव में ले जा करके इतना गहराई में ले जाकर पहुंचा देना कि वहां से वास्तविकता दिखे ही न। तो इस प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच को हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे सी वेप ओशियन ऑफ टीयर्स, वो इतना रोई किसी के प्रेम में या किसी इवेंट्स के कारण कि आंसुओं का सागर बन गया। अब क्या किसी के रोने से आंसुओं को सागर बन सकता है? लेकिन यहां पर बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया कैन नॉट क्लीन दिस लिटिल हैंड, यह मैकबेथ की लाइन है। नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल 10,000 डैफोडिल्स एट अ ग्लेंस आई सा, यह डैफोडिल की लाइन है कि एक बार में मैंने 10,000 डैफोडिल के फूलों को हमने देखा। क्या कोई एक बार में 10,000 डैफोडिल के फ्लावर्स को देख सकता है? लेकिन इस पोयम में या इस लाइन के माध्यम से बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है, यानी कि एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच जिसमें काफी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच के लिस्ट में आता है। नेक्स्ट लेते हैं ओनोमेटोपोइया, यानी एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच जो किसी की आवाज या ध्वनि को इंडिकेट करता है। जैसे द वेल रिंग्स, यानी कि वेल कैसे बजती है? रिंग्स, यानी रिंग्स आ गया तो हम लोग समझ जाएंगे कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, ओनोमेटोपोइया यानी ध्वनि सूचक अलंकार। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं द लायन रोवर्स, द कैट म्यूज, द डॉग्स बार्क। इस प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच को ओनोमेटोपोइया के फिगर्स ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल में शामिल किया गया है। अब नेक्स्ट लेते हैं एपोस्ट्रॉफी, एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच जिसमें किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को डायरेक्ट संबोधित किया गया हो, यानी एड्रेस किया गया हो, यानी या तो वो नॉन लिविंग हो सकता है या लिविंग हो सकता है, और ऐसे एड्रेस किया जाता है जैसे कि वह लिविंग हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है
फ्रैलिटी दाई नेम इज विमन, हे औरत तेरा नाम ही कमजोरी है, यह किसकी लाइन है? तो यह हैमलेट की लाइन है, जिसको कि विलियम शेक्सपियर के ड्रामा हैमलेट से लिया गया है। नेक्स्ट, ओ मिल्टन, यहां पर संबोधित किया गया, हे मिल्टन आज आपकी आवश्यकता है। तो इस प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच को एपोस्ट्रॉफी कहते हैं, जैसा कि पीवी सेल्ली का सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम। तो इसमें संबोधित किया गया है, कैसा फिगर्स ऑफ स्पीच है? एपोस्ट्रॉफी। नेक्स्ट लेते हैं सार्कास्म। अब इस फिगर्स ऑफ स्पीच को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसको ट्रिकी बना लेते हैं। सार्कास्म, कास्म को हम लोग कसम, कसम कह लेते, यानी कसम खाकर वो अटैक करेगा, यानी इसको हम लोग ट्रिकी बना लिए, यानी कि एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच जिसमें किसी पर डायरेक्ट अटैक किया गया हो। कैसा अटैक होना चाहिए? डायरेक्ट अटैक। जैसे एग्जांपल को लेते हैं, गॉड मेड हिम एंड देयर फॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन। गॉड मेड हिम, भगवान ने उसे बनाया, एंड देयर फॉर, और इसलिए लेट हिम, उसे जाने दो, फॉर अ मैन, एक व्यक्ति के लिए, एक इंसान के या किसी इंसान के लिए उसे जाने दो। कहते हैं आयरनी। आयरनी का मतलब ही होता है व्यंग। व्यंग बोलने का मतलब दो तरफा बातें करना, यानी कि जब एक सेंटेंस को आप किसी के सामने रखें तो उसका दो मीनिंग निकल करके आए, यानी डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस। जैसे जूलियस सीजर के ड्रामा में बोला गया है, जब जूलियस सीजर की हत्या हो जाती है तो सभी लोग उसकी फ्यूनरल पर बोलते हैं, हेयर अंडर लीव ऑफ ब्रूटस एंड द रेस्ट। उन्होंने कहा कि अब ब्रूटस को छुट्टी की आवश्यकता है एंड द रेस्ट, और उसको आराम करना चाहिए, इसलिए अब उसको छोड़ दिया जा रहा है। यानी यहाँ दो सेंस है, पहला सेंस निकल करके आया कि उसकी हत्या कर दी गई है इसलिए हमेशा के लिए मुक्त किया जाए, और दूसरा सेंस आ रहा है कि उसको अब मुक्त किया जा रहा है, यानी उसके पद से। तो इस प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच को आयरनी बोलते हैं। आयरनी का मतलब व्यंग, व्यंग का मतलब एक सेंटेंस के जब दो दो मीनिंग होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आयरनी, यानी व्यंगात्मक अलंकार।